सर्जरी से भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाल्लाह, तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के चार दिन बाद बौखलाए आतंकियों का फिर तो साहस। बारामूला के आर्मी बीएसएफ कैंप पर हमला। पाकिस्तान अपनी सरजमी को इस्तेमाल कर रहे टेररिज्म के बाद में सार्क का भी फेलियर इसी वजह से हुआ, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। बारामूला में उरी नाकाम। पाकिस्तान की आतंक नीति का इलाज क्या? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों का एनकाउंटर खत्म हो गया है, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान घायल है। तीनों सेना प्रमुख की रक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है, जिसमें सीमा पर सुरक्षा पर समीक्षा हो रही है। कल रात 10:30 बजे आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया था, जिसके बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अब से कुछ देर पहले मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोवल और बीएसएफ के डीजी से बात की। तीनों रक्षा प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक भी चल रही है। बैठक में सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा शामिल है। रात के समय में मिलिट्री ने कोशिश की थी आर्मी के और बीएसएफ के कैंप पे अंदर घुसने की, लेकिन बीएसएफ के पोस्ट पे उन्होंने हमला बोल दिया। उसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे के नतीजे में मिलिटेंट भाग गए, लेकिन एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ और एक बीएसएफ का जो जवान है वो घायल हुआ। रात के अंधेरे में और वहाँ पे बहुत सारे जो सिविलियन हाउसेस थे उनकी वजह से इतना इफेक्टिव फायर नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो जाती, जिसके कारण जो है उग्रवादी वो निकलने में कामयाब हुए। हमने पूरे एरिया को अभी तक सर्च में लिया, कॉर्डन में लिया हुआ है। अभी तक तलाशी की कार्रवाई अब लार्जर एरिया में हमारी जारी है। कितने मिलिटेंट्स थे? मिलिटेंटों की मतलब आशंका है कि 2 से 4 के करीब मिलिटेंट थे। तो सेना की कोई कैजुअलिटी जख्मी? नहीं, सेना की कोई कैजुअलिटी नहीं। तो ये भी कहा जा रहा है कि बोट का इस्तेमाल किया? नहीं, अभी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपको दिखाते हैं कि आतंकी किस रास्ते से आए थे, ये इलाका कौन सा है। उस स्टेडियम में खड़े हैं जिस स्टेडियम को पार करके कहा जाता है कि मिलिटेंट्स आए, और इस स्टेडियम के बिल्कुल पीछे जो जहलम नदी बहती है और उस जहलम नदी के थ्रू ही वो मिलिटेंट्स इस पूरे इस एरिया को क्रॉस करके, स्टेडियम को क्रॉस करके, वो बैक साइड से अगर हम पिकेट दिखा सकें वहाँ पर उन्होंने फायर खोला है, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की है ये जो वायर लगी है कैंप की इसको काटने की, क्योंकि तलाशी अभियान के दौरान यहाँ पे कुछ वायर कटर्स ज़रूर मिले हैं, और लगता है कि वो फेंस को काटने के फिराक में थे जब संतरियों ने उन्हें ट्रेस किया, और उसके बाद बीएसएफ की जो ये पिकेट थी उन्होंने फायर किया, और रिटेलिएशन जो थी और जो फायरिंग थी वो करीबन 2 घंटे चली। लेकिन ये स्टेडियम जो है जिसमें यहाँ जांबाजपुरा का ये स्टेडियम है, इसी स्टेडियम को क्रॉस करके ये मिलिटेंट्स जो है यह इस तरफ आए और इस कैंप पर हमला किया बैक साइड से, जहां उन्होंने कोशिश की कि इस कैंप के अंदर घुसें, लेकिन जो सतर्क जवान थे उन्होंने उन्हें रोक दिया। और 2 घंटे तक फायरिंग चलने के बाद वो मिलिटेंट्स शायद इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि फरार हुए हैं। वहीं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोवल और नासिर जांजुआ के बीच बातचीत हुई है। फोर्सेस का मनोबल में कमी नहीं आएगी। ये किरण रिजिजू की इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही थी, और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि
किसी भी तरह की सेना के मनोबल में कमी नहीं आएगी। हम खबर आपको ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर थी कि अजीत डोवाल और नासिर जांजुआ के बीच मौजूदा तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, ये चर्चा आपने घंटे की हमारे साथ सुनी होगी, कई तरह के पहलू इसमें निकले हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में सिग्नल तो जा चुका है, लेकिन भले वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, और ये उसी की डेस्परेशन है जो फिलहाल हो रहा है। और यहाँ पर यह है कि हमारा जो अपनी पॉस्चरिंग है, जो अटैक हुई थी, जो अटैक नीति हमने अपनाई थी, वही कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी। अभी भी पाकिस्तान को और घेरना पड़ेगा। क्या कुछ इसके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है, किया जा रहा, बैठ के चल रही? बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि आखिरकार भारत का स्टैंड क्या रहेगा। आज शाम तक जाहिर है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आएंगी। कल रात ही अटैक हुआ था, आज पहला वर्किंग डे है। सुबह से रक्षा मंत्री ने तीनों चीफ के साथ मीटिंग की, पूरे दिन मीटिंग्स का दौर चलता रहेगा। मल्टी एजेंसी सेटअप जो है, मल्टी एजेंसी सेंटर, वहाँ पर भी लोगों की मुलाकात होगी, NSS मुलाकात होगी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे लोग अपने अफसरों से बातचीत करेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसियों से ब्रीफ लिया जाएगा, टैक्टिकल कमांडर्स जो लोकल कमांडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी। क्योंकि इस चीज़ की आशंका सबको थी कि पाकिस्तान एक जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। चूँकि सीमा पर जवाबी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है इस समय पाकिस्तान के लिए, भारतीय सेना और भारतीय सरकार के तेवर बहुत ज़्यादा कड़े हैं कि अगर सीमा पार से कोई सीधा हमला होता है, सीधे कोई कार्रवाई होती है, तो उसका बहुत बड़े पैमाने और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के साथ सबसे फ़ायदे का सौदा उसके लिए ये है कि वो अपने उन एसेट्स को इस्तेमाल करे जो लंबे अरसे से इनएक्टिव पड़े हुए हैं स्लीपर सेल्स के तौर पर, और अंदर से हमले शुरू करे। ऐसे हमले अभी और होने की आशंका है। एजेंसियां भी बार बार बता रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही बता रहे हैं। एक आम सोच यही है कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं, जिनको पाकिस्तान बैक करता है, वो ऐसी कार्रवाई बार बार करेंगे, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत की सीधी कार्रवाई का सामना करने का खतरा बहुत कम रहेगा। हालाँकि सरकार पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान द्वारा पाला गया आतंकवाद है, उसके खिलाफ भी उसी सख्ती से पेश आती है। ये बात उसने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए साबित कर दी। पाकिस्तान को अब अपने आप को साबित करना है। वहाँ की जो सरकार है, नवाज शरीफ की स्थिति आज की तारीख में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। वो जाहिर है अपनी वर्दी पर एक ब्लॉट लेकर नहीं जाएंगे। आतंकवादियों के बीच में घबराहट फैली हुई है। उसी घबराहट, उसी बेचैनी, उसी डेस्परेशन में उनको कुछ करके दिखाना है। वहाँ की सरकार को भी करके दिखाना है, ISI को भी करके दिखाना है, सेना को भी करके दिखाना है, आतंकवादियों को भी करके दिखाना है। क्योंकि भारत की एक छोटे से हमले से, सर्जिकल स्ट्राइक से, पूरा पाकिस्तान हिल गया है। तो उनको अपने आप को दिखाने के लिए, अपने कौम को, अपने आवाम को भरोसे में लेने के लिए। लेकिन कृष्ण मोहन, मैं इस पर आपसे बात करूंगा, ये मतलब दो तरीके का एजेंडा कैसे चलेगा? एक तरफ पपेट गवर्नमेंट से ये करवा देना कि आप अपना काम देखते रहिए, दूसरी तरफ ये सेना की तरफ से दिखाना आम लोगों को कि नहीं, ये हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं और हम भी आतंकी हमले करेंगे और तमाम चीज़ें दिखाएंगे। ये दोनों चीज़ें एक ही तरीके से कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होकर के चल सकती हैं, ये भी जानना ज़रूरी है।